राजस्थान शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी कंप्यूटर अनुदेशक सहित 60,000 पदों पर होगी भर्ती परीक्षा। राजस्थान शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी कंप्यूटर अनुदेशक सहित 60,000 पदों पर होगी भर्ती परीक्षा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार जल्द ही 60,000 पदों पर भर्ती करवाएगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार ये भर्तियाँ कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही हो जाएंगी। राजस्थान राज्य में जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में, उनके लिए नया वित्त वर्ष खुशखबरी लेकर आया है। खुशखबरी यह है कि इस साल राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा कर दी है कि अब राज्य में 60,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से राज्य के सभी सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वे सभी उम्मीदवार नाखुश थे। राजस्थान के सीकर के पिपराली गांव में एक स्कूल कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें एजुकेशनल मिनिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे और उन्होंने मंच पर घोषणा करते हुए कहा कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट जल्द ही पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रेड थर्ड में लगभग 31,000 भर्तियां की जाएंगी, कंप्यूटर सेक्टर में भी 10,000 से ज्यादा भर्तियां की जा सकती है और एजुकेशनल सेक्टर में भी 19,000 भर्तियां जल्द ही की जाएंगी। शिक्षा से संबंधित और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।